मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर में दुकान कब्जा करने को लेकर दो पक्षों के बीच में करीब दो दिन पहले ही मारपीट का मामला सामने आया है और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दरअसल शिवकुमार पासी इनका कहना है कि 12 साल पहले इन्होंने अपने एक रिश्तेदार से ये दुकान खरीदी थी। उस वक्त इस दुकान में मनोज कुमार प्रजापति किराए पर रहते थे, मगर अच्छी जान पहचान होने की वजह से मनोज प्रजापति से उन्होंने दुकान खाली नहीं कराया। हालांकि बीच बीच में उनसे दुकान खाली करने के लिए कहा गया, एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा गया, लेकिन दुकान खाली नहीं हुई, उसमें मनोज प्रजापति ही रहते थे। और अब 12 साल गुजर जाने के बाद मनोज प्रजापति का कहना है कि ये दुकान उनकी है। इस तरह का आरोप जो है शिव कुमार पासी मनोज प्रजापति पर लगा रहे हैं। वहीं मनोज प्रजापति का कहना है कि उन्होंने दुकान शिव कुमार पासी के एक रिश्तेदार से डेवलप करने के लिए लिया था और 5 लाख रुपए का करारनामा भी बनाया गया था, मगर वहीं शिव कुमार पासी का कहना है कि दुकान के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ दिन पहले ही इन्होंने टोरेंट कंपनी से अपने नाम से मीटर जो है दुकान पर लगाई थी, जिसके बाद शिव कुमार पासी ने टोरेंट कंपनी में शिकायत की और वो मीटर निकाला गया। उसके बाद फिर शिव कुमार पासी ने अपने नाम से मीटर जो है यहाँ पर लगवाया और यही मीटर लगाने के दौरान दो दिन पहले ही मनोज प्रजापति के परिवार के लोग वहाँ पहुँचे और शिव कुमार पासी के परिवार के लोग भी वहाँ पहुँचे दुकान पर और दोनों तरफ से यहाँ पर जमकर मारपीट का मामला सामने आया। वहीं शिव कुमार पासी ने दुकान अपनी बताते हुए कहा है कि ये दुकान उनकी है और इस दुकान के सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है, क्योंकि दुकान नीचे है और ऊपर जो है उनका मकान है। सुनिए शिव कुमार पासी और उनकी बेटी ने क्या आरोप लगाया है मनोज प्रजापति पर, उसके बाद मनोज प्रजापति ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। क्या नाम है आप? एक मिनट शांति, थोड़ा शांत हो। क्या नाम है आपका? और ये जो गाने को लेकर विवाद हो रहा था, किसके बीच में विवाद है और क्या हुआ? सर नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार सुंदरलाल पासी है। ये गाला मेरा है, 2019 में ये गाला मैंने ख़रीदा हूँ। ये मेरी चाची से मैंने लिया हूँ। चाची का नाम मेरे संपत कन्हैयालाल पासी है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। हमने गाला लिया हूँ और ये गाले में एक मनोज प्रजापति रहता था। मेरी चाची ने उनको भाड़े पे दिया था 1 साल के लिए, उसके बाद एग्रीमेंट नहीं बना है और उनको बोला गया था कि बेटा ये गाला खाली कर दो, हमने बेच दिए हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं बाद में खाली कर दूंगा। तो ऐसा करते करते फिर जब मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं खाली हो तो नया एग्रीमेंट बना लो 1 साल का, तो उन्होंने बन जाएगा भाई, अपन आपस में है, कोई तकलीफ नहीं है, मिलजुल के तो रहे, अपन साथ में खाए पिए, हमारे घर में साथ में रहे। और हमारी चाची के यहाँ भी रहते थे और मेरे भाई के साथ में काम भी करता था, वायरमैन का सीखा है। अब धीरे धीरे करते करते जब हमने बोला भाई नहीं मुझे गाला मुझे मेरा चाहिए, तो मुझसे डिमांड करने लग गया, डायरेक्ट धमकी देने लग गया, नहीं इतना दो कि तो मैं खाली करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तुमको जिसके पास जाने का जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटियां हैं देख लो रास्ते में चल नहीं पाएंगी। जब आज बताओ मेरे पे इतना जुल्म चालू कर दिया, मैं डर के मारे किसी से कुछ आज तक नहीं बोला है, 5 साल हो गया है और मैं परेशान एकदम हूँ, एकदम डिप्रेशन में रहता हूँ। और इन्होंने माँ पहले बोले हमको 2 लाख, फिर बोले हमको 3 लाख, फिर बोले 5 लाख, आज 9 लाख रुपया बोल रहे हैं। और जब इन्होंने हमने ज़्यादा प्रेशर डाला तो इन्होंने क्या किया, हमारी टैक्स पावती पर छेड़छाड़ करके इन्होंने मीटर लगा लिया। जब हमने टोरन में जानकारी किया कि भाई ये मीटर क्यों लगा, हमारा तो नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो पता लगा कि बोले नहीं वो तो मनोज प्रजापति लगाया है, मनोज प्रजापति के नाम पे है मीटर। तो मैं बोला सर ये तो टैक्स पावती मेरी है। जब हमने वहाँ इंक्वायरी किया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, तो हमको मालूम पड़ा कि हमारी टैक्स पावती में छेड़छाड़ हुआ है। हमने कंप्लेंट डालने के बाद उसका मीटर निकलवा दिए हैं। उनका मीटर निकलवाने के बाद जब हमने अपना अप्लाई किया है तो हमारा मीटर आया है। हमने अपना मीटर लगाने के लिए जब सब लोग खड़े हुए तो ये गुरुवार के दिन ये नहीं था यहाँ पे, चला गया, चला नहीं गया ये, सिर्फ भाग गया था। और गांव क्या बोला, हम गांव गए। सर जो आदमी गांव जाएगा वो एक दिन में मुंबई नहीं पहुंच जाता है, यूपी जाने के लिए 24-36 घंटा लगता है, जाने का 36 घंटा, आने का लगता है। और इन्होंने क्या किया, कमरे डाल दिया कि किसी का मीटर ना लगे। तो जब हमारा मीटर अभी वापस लगाने के लिए आए हैं परसों, मीटर लगाने आए तो टोरन के सर आए, मुझे फ़ोन किए नीचे, बोले राजू भाई आप आइए और आपका मीटर लग रहा है, देखो ये लेडीज़ लोग मीटर लगाने नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ बाहर ही खड़ा था, बोला भाई हम आप अपना पेपर दिखा दीजिए, हम अपना पेपर दिखाते हैं, जिसका टैक्स रहेगा जिसका पेपर रहेगा वो मीटर उसका लग जाएगा। मीटर कोई एक दिन में तो मिल नहीं जाता है, मीटर के लिए 6-6 महीना साल साल भर अप्लाई करना पड़ता है, टोरन का मीटर है, उसके बाद मीटर लगाने आते हैं। और जब मीटर लगाने हैं तो इन्होंने क्या किया,
अपने पूरे अपनी जो है माउस मनोज प्रजापति ने अपनी मौसी के लड़के को लाया, अपनी मौसी को लेके आया, अपनी औरत को लेके आया, अपनी बीबी को लेके आया, 5-6-7 जन को और लेके आया है, और उतने में मेरी बेटियों पे और मेरी बीबी पे हमला किया है। आप वीडियो खुद देख लेना, गिरा के सब ने मारे हैं, जबकि मेरी बीबी का अभी 1.5 महीना पहले ऑपरेशन हुआ है पेट का, उन्होंने इतना मारा है कि आज भी मेरी बीबी आईकॉन में एडमिट है। शिवाजी में लेके गया, शिवाजी में बोले इनको ले जाइए, हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको कुछ भी हो सकता है। आज भी इमरजेंसी में मेरी बीबी एडमिट है, मेरे कोई सुनवाई नहीं मिली। रात भर मेरी बेटियां पुलिस स्टेशन में थी लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कंप्लेंट नहीं लिया है। और बताओ, हमारी बेटियों के सीने में हाथ डाले हैं, बेइज्जत किए हैं, मारे हैं इन्होंने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं रही। आज देखो, आज हमारे पे जुर्म हो रहा है, मुमरा वाले, संजय नगर वालों, आज हमारे भी जुर्म हो रहा है। इनको बढ़ावा मिल गया तो सब पे जुर्म करेंगे, और इनके यही काम है। 3-3, 4-4 दुकानें इनके पास में है, सबका दुकान हड़प करते हैं, हजम करते हैं। ये किसी को बोलते हैं भाड़े पे देना है, लाओ तुम्हारा मैं टैक्स कर फिरवा दूंगा, टैक्स तो फिराते नहीं, खुद की जेब में फिरा के रख लेते हैं, लेकिन इन किसी का काम नहीं करते, बस यही बेईमानी और धोखाधड़ी के पास। क्योंकि हम तो रात दिन कुत्ते जैसा मेहनत करते हैं, अब अभी भी कभी कभी हमको खाना नसीब नहीं होता है, लेकिन आपका ये गाला, हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है, खरीदी खाते है, पावर बटोनी है, टैक्स पावती है, लाइट बिल सब है मेरे पास में, लेकिन वो डायरेक्ट हमको धमकी दे के रखे थे कि तुम कहीं भी जाओगे तो हम तुमको देख लेंगे, तुम्हारी बेटियों को हम चलना मुश्किल कर देंगे। अब हम डर के मारे कहाँ जाए तो जाए। आज हमें आप लोग का सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हमें हमारे नगर सेवकों का सपोर्ट मिला, तो हम आज रोड पर आके खड़े होकर हम बता रहे हैं, आज अपना टुकड़ा हम गा रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। मुमरा में जितने भी रहे बड़े हमारे जो हैं बड़े बड़े लोग, हमें इंसाफ दिलाइए। आपके वाइफ का क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम है शीला देवी, इस वक्त तो आईकॉन में एडमिट है, अगर देखना है तो चल के मैं दिखा देता हूँ, और वहाँ पे संतोष जोशी सर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपके साथ क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनम पासी है। हम सिर्फ इतना करने आए थे कि हमें मीटर लगाने दीजिए, क्योंकि वो चोरी की लाइन यूज़ कर रहा है, आगे जाके केस बनेगा तो हम भी उसमें खींचे जाएंगे। हमने बोला कि हमें खाली मीटर लगाने दीजिए, पर उन्होंने मीटर लगाने नहीं दिया। थर्सडे को भी सेम चीज़ हुई, उसके बाद में अब परसों भी सेम चीज़ हुई। पहले तो हमने मीटर लगाने के लिए टोरेंट वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ साइड हो जाओ, बट वो लोग नहीं हुए, और टोरेंट वालों के साथ में वो लोग ज़बरदस्ती खींचातानी करने गए, तो टोरेंट वालों ने खुद बोला कि आप लेडीज़ लोग हो, आप आगे आ जाओ, तो हम खाली आगे गए कि उनको हटाने के लिए, उतने में वो लोग सब हमारे पर हमला कर दिया। उसमें थी दीपाली प्रजापति, जिसको सोनी भी बोलते हैं, उसमें थी उनकी मौसी दुर्गा देवी प्रजापति, ज्योति प्रजापति, मनोज प्रजापति, और उनके मौसी के बेटे राजेश प्रजापति, ये सब ने मारा। मेरी मम्मी के सबके सामने उन्होंने साड़ी खोल दी, मम्मी मेरे कहीं आते जाते भी नहीं, उनको इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ है कि वो क्या करे, कैसे वहाँ पे निकले, दूसरों के सामने कैसे जाए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कल से कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। हमारे मेरे सीने पे हाथ मारा मनोज प्रजापति ने, मेरे पापा को आके मारा, मेरे सीने पे पूरे नाखून के निशान है। चौकी पे मैं 5 बजे तक बैठी थी परसों सुबह, लेकिन उन्होंने मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने FIR में लड़की के लिए तो कुछ लिखा नहीं, एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाली है। वो बोलते हैं कि इसमें इंटेंशन क्या है, किसी की साड़ी खोलना ये कोई इंटेंशन नहीं होता है, किसी के सीने पे हाथ मारना इंटेंशन नहीं होता है, औरतों के बीच में उस आदमी को आने की क्या ज़रूरत है। आदमी लोगों ने मिलकर इतना बुरा किया मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अभी कोई कुछ कर नहीं रहा है। मेरे मम्मी बेचारे, उनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कल को कौन होगा? पुलिस ने हमारे लिए तो कोई धारा ही नहीं लगाई उसमें, खाली उन्होंने बोला हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस क्या होता है? हम भी जो हुआ है सबने देखा है यार, पूरे संजय नगर ने देखा है यहाँ पे। क्रॉस क्या होता है? उनकी भी सुन रहा, हमारी भी सुन रहा है। हमारे पर जो हुआ, हमारे किस आदमी ने उनकी इज्जत पे हाथ डाला? बताए, कोई नहीं था हमारे पास कि उनकी उनसे कोई लड़े, हमारा कोई चांस नहीं था वहाँ पे। उनके आदमियों ने आके इतना मारा है, आप वीडियो में क्लियरली दे सकते हैं, मनोज प्रजापति ने कैसे नाखून मारे मेरे सीने पे, और उनका भाई मेरे राजेश प्रजापति मेरे सीने पे हाथ मार रहा था, मेरी मम्मी की साड़ी खोल दी है, कितनी बड़ी बात होती है ये, बट फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है इस बारे में। कुछ नहीं दिए सर, कुछ नहीं दिए। वो बोलना है कि उसने 5 लाख का करारनामा बनाया है, करारनामा 1 साल पहले का दिख रहा है वहाँ पे, और वो करारनामा अगर बुमरा में कोई रहता है तो वो बांड्रा कैसे चले जाएगा बनाने के लिए, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी पहले संपत के पास, वो 80 साल की बुढ़ी है, कैंसर की पेशेंट है, वो कैसे पहुंच जाएगी वहाँ पे बांड्रा में कराने के लिए? वो भी अंगूठा लगाया हुआ है उसमें, आधा अंगूठा, ऐसे कैसे हो जाता है? कोई भी फेक करारनामा कुछ भी बना के आप ये कर दोगे? वाह, हमने 5 लाख का करारनामा दिखा रहे हैं उसके अंदर, उसका भाड़ा था 3,000 का, 3,000 के ऊपर 1-0 लगा के हाथ से लिख के उसमें वो चिपका दिया है उसने, ताकि उसका हो वो। वहाँ मैंने कमिश्नर के सामने सेम चीज़ें बोली, बट वो वीडियो भी देख रहे हैं, फिर भी वो मेरी सुनने को तैयार नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो आपको सुननी चाहिए, मुझे इंसाफ देना चाहिए, बट वो नहीं सुन रहे। बोलते हैं आपस में हुआ है, आपस में कैसे हो गया ये? आपस में किसी की साड़ी खुल जाती है क्या? उनकी लेडी से क्यों नहीं साड़ी खुली? मेरी मम्मी की साड़ी क्यों खुली? लेकिन हमारे पर हाथ डाले गए, मेरी बहन का दुपट्टा खींच लिया गया, दोनों जन बेहोश थे, मेरी मम्मी के गले से 2 तोले का मंगलसूत्र छीन के लेके चले गए, सबने देखा है यहाँ पे, उनका गला दबा रहे थे वो।
ये सब कुछ नहीं लिखा है उन्होंने एफआईआर में, कुछ नहीं है, सिर्फ हाथापाई हुई ये लिखा है। अभी वो एडमिट पड़े हुए हैं, जाके देख, जिसको देखना जाके देख लीजिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। एक लड़की पे आज मुझ पे हुआ, यहाँ पे और भी लड़की और भी बहनें, उनके साथ में होगा तो क्या होगा कल। मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी मम्मी सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, तो कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। ये जो उनकी गुंडागिरी है वो बढ़ती जा रही है। आए जाए हम पे डायलॉग माना, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल इन द फार्मा इंडस्ट्री। ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे बोलते हैं कि मैं यहाँ वहाँ घूमती हूँ। उनके घर वाले आते जाते डायलॉग मारना, कैसी कैसी बातें बोलना, दारू पी के सामने दंगा करना, अच्छा लगता है ये सब? सभ्य घर के लोग नहीं करते ये सब। कल से और आज भी वो बोल के गया है कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वो मेरे पैर की जूती पे रहते हैं। इतना होने के बाद भी इतना बढ़ावा कैसे मिल रहा है उसे, कैसे मिल रहा है इतना बढ़ावा? मुझे इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिलता हिसाब तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। अगर मैंने कर को कुछ अपने ऊपर कर लिया तो इसका जिम्मेदार उसके घर वाले और उसका जो साथ दे रहे हैं वो सारे लोग ही होंगे। सर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला या मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला या चौकी से या कोई नेता या नगरी से, तो मैं अपने आप को पेट्रोल या घासट डाल के यहीं पर आत्महत्या करूँगा। ये मेरा वादा है, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों को। आज मेरे बच्चों के साथ में हुआ, कपड़ा निकाल दिया, बेइज्जत कर दिया मेरे बच्चों को, बेटियों को। अगर इंसाफ नहीं मिला तो यही जगह पर मैं खुदकुशी करूँगा, भगत सिंह चौक में। ये मैं बोल रहा हूँ अब, और ये सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। कहीं से भी इंसाफ दिलाइए, मुझे आज इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाया जाए, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपने सुना कि शिव कुमार पासी और उनकी बेटियों ने जो है मनोज प्रजापति पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं मनोज प्रजापति ने दावा किया है कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट में है दुकान को लेकर, लेकिन शिव कुमार पासी का कहना है कि कोर्ट में मामला है, ऐसी जानकारी उनके संदर्भ में नहीं है। दुकान पर कब्जे को लेकर मनोज प्रजापति ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, जय महाराष्ट्र सभी को, मेरा नाम मनोज सलगुराम प्रजापति है। मैं रहवासी संजय नगर का हूँ, RPF चाल शिवाजी चौक संजय नगर मुमरा। शिव पासी से जो आपका विवाद चल रहा है और दुकान को लेकर, दरअसल शिव पासी का कहना है कि वो दुकान उनकी है और आप किराए पर थे और आप कब्जा कर रहे हैं उसको ले, उनकी दुकान को, जिस उसको लेकर आपके और उनके बीच में 2 से 3 दिन पहले मारपीट भी हुई है। आपको जानकारी के लिए इस्लाम दूर में बता सकता हूं मैं कि दुकान उनकी है ही नहीं। मेरे पास कोर्ट का रिपोर्ट है, मैं आपको कोर्ट का रिपोर्ट दिखाता हूं। दुकान उस जगह मालिक संपत करने वाला पासी था। मैंने दुकान 2012 में उनसे लिया था डेवलप करने के लिए। उस समय उनकी कंडीशन नहीं थी, पैसा नहीं था उनके पास। जब लक्की कंपाउंड से बिल्डिंग गिरी थी तो आप लोगों को पता होगा, सभी बिल्डरों ने पे कार्रवाई हुई थी और बिल्डिंगों पे भी कार्रवाई हुई थी। उस समय जो लोग वहाँ पे रहते थे वो लोग स्थानीय नगर सेवकों के पास गए कि भाई हम लोग कभी कहाँ जाएंगे, हम लोग के पास घर नहीं है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें जो राजू पासी था, संपत कन्हैयालाल पासी का जो लड़का, वो मेरे पास आया, मेरे घर पर आया। मैं उसके घर पर नहीं गया था, आपको ये क्लियर कर देता हूँ। वो मेरे घर पे आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसा डाल के बनाइए, मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, या तो उस जिस समय मैं बेचूंगा आपको उसी रेट में मैं आपको बेच दूंगा। मुझसे उन्होंने यह वादा किया 2012 में। मुझे उस दुकान में अभी 12 साल हो गया है, ना मैंने उसको भाड़े पर लिया है और ना ही दूसरा कुछ। जो भी बातें चल रही है सब झूठी है। और जो शीला भी बोल रही है ना कि मेरा दुकान है, मेरे पास जनवरी, आपको पता था कोर्ट का रिपोर्ट है। अब पहली बात तो इन्होंने कोर्ट के ऊपर जाके ये सब काम किया है। मैं संविधान पे और आपको तो कहता था 23 तारीख 1 जनवरी 2023 को ये शूट फाइल है कोर्ट में। इसमें शीला देवी को कोर्ट ने फटकार लगाई थी और जजमेंट उन्होंने मेरे तरफ दिया था, फैसला मेरे तरफ सुनाया था उन्होंने। इसमें पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं सब पढ़ने पर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको देख लो, देखो इधर लिखा हुआ है, इस जगह पे देखो लिखा हुआ है, आप उस चीज़ के ओनर नहीं हो, इलीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया है उनका भी, देख लीजिए क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें। मैं कोर्ट में भरोसा करने वाला आदमी, मेरे साथ ऐसे 2020 में भी किया गया था जिसमें राजेश पासी। तो आपने वो दुकान खरीदा था? नहीं, मैंने डेवलप पर लिया था बनाने के लिए। हाँ। उनके पास कंडीशन ख़राब थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो आपने बनाया दुकान? मैंने बनाया, उन्होंने मुझे करारनामा बना के दिया है, देख लीजिए वो भी आपको बताता हूँ। कितने का करारनामा? ये देखिए, ये करारनामा बनाया गया था, उसमें जिसका दुकान था उनके लड़के ने मेरे को, ये देखिए उनके लड़के ने मुझे लाके बना के दिया था ये चीज़। उसमें लिखा हुआ कितने का है करारनामा? 5 लाख रुपया।
और 370,000 रुपये मुझसे वो, क्या नाम उनके लड़के का जिसने बना के दिया, राजू पासी, राकेश पासी, ये दो ही मेरे पास पैसा लेने आते थे। और मेरा डायरी है, वो भी डायरी आपको दिखाता हूँ मैं। तो कितने का था कराना भाई ये? 5 लाख का, जब मैंने बना था उन्होंने मुझे लिख के दिया था। और ये देखिए इसमें पैसा जो मुझसे, तो आप डेवलप पे लिए थे, तो यानी कि आप करारनामा के अनुसार अगर 5 लाख आपको देते हैं तो आपको रूम उनको देना पड़ेगा। उस समय ये बात हुई थी कि अगर मैं 5 लाख नहीं दे सकता तो मैं आपको दुकान बेच दूंगा, ऐसी बात हुई थी मेरी। इसमें लिखा हुआ है आपको, मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा। उसके बाद देखो उन्होंने जो मुझसे पैसा लिया था ये मुझे लिख के दिया हुआ है, उन्होंने 370,000 रुपये सिग्नेचर किया हुआ है उनका। और ऐसे ही मेरे पर उन्होंने, जब मुझे पैसा नहीं देना था तो उस समय भी वे लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। आपको मैं, उन लोगों ने ऐसा बताया कि आपने जो है उनके डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की है और छेड़छाड़ करने के बाद आपने टोरेंट का मीटर भी लगवा लिया। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, आप कोर्ट का ऑर्डर ले जाइए, आपका दुकान लेना, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए, आप दुकान आपको मैं खाली करके दूंगा। लेकिन फिर टोरेंट ने बताया रहा मीटर निकाल दिया जो आपने लगवाया था। दुकान मीटर मेरे को राजेश पासी ने लगा के दिया था, जब टोरेंटो 2020 में आई थी उस जगह पे जब तोड़ा गया था उस पे 70,000 रुपये लाइट बिल बाकी था महावितरण का, तो मुझसे उसने आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड मुझसे 12,000 रुपये लिया है। वो डायरी लॉ, जरा डायरी में दिखा देता हूँ, उस पर लिखा हुआ है, आप वो भी देख लीजिए, ये देखिए। और ये लोग ना सिर्फ खाली मेरे को डराने का काम करते, क्योंकि 2020 में जो उन्होंने किया ना मेरे साथ में वही इस बार वापस दोहराया 4 साल के बाद। ये देख लीजिए ऑनलाइन आता है ऐसा। जो शिव पासी है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो गाला है वो उनके रिलेटिव का था, उसके बाद उन्होंने वो गाला लिया। आप कह रहे हैं आपने डेवलपमेंट पे लिया, डेवलप करने के लिए उस लिया, 5 लाख रुपए का करारनामा हुआ, तो फिर आगे और क्या, कितना पैसा उन्होंने लिया जो है 5 लाख? वो 370,000 ये जो उन्होंने कैश के तौर पर लिया मुझसे 12 साल में। तो अगर वो पैसा लौटाते हैं तो फिर आप रूम आपको देना पड़ेगा ना? नहीं, इस्लामुद्दीन भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, मुझे उन्होंने लिख के दिया था पहले कि अगर मैं पैसा नहीं दे सका तो आपको उस रेट में उस टाइम पे मैं आपको भेज दूंगा। तो उन्होंने परस्पर अपने रिलेशन को बेच, तो कुछ गाइडलाइन होगी ना कि कितने कितने साल में कितने कब तक, वो लिख के नहीं दिया हुआ है उन्होंने, उसमें लिखा हुआ है, मेरे करना में लिखा हुआ है, मैं जो आपको कॉपी दे दूंगा, कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्योंकि रूम के सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर एग्रीमेंट उनके पास हैं, तो फिर कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट कर दिया आप मुझे बताइए? मैं कोर्ट पे प्रशासन में भरोसा करने वाला आदमी हूं। वो तो कह रहे हैं कोर्ट में मामला ही नहीं गया। अभी मैं आपको दिखाया ना कॉपी, आपके सामने मैंने कॉपी क्यों दिखाया? ये नंबर आता है, क्या नाम कोई आपका, भी, आपका नाम? मैं ना विनोद प्रजापति है, ये मेरे बड़े भाई है। मैं ये पूरा मामला मेरे सामने ही हो रहा है, ये जितने भी साइनेस वगैरह उन्होंने किए मेरे सामने ही किए। ये आप देख सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप कहीं भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं ये, कि ये जो कोर्ट के ऑर्डर है ये क्या है। ये वर्बली चीज़ें नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें। उन्होंने देखो दुकान पे गुंडे लेके आए थे और बहुत सारे लोगों को लेके आए थे, जिससे मेरे बहन को, मैं उस समय कहलवा में था, मेरे बहन को, मेरी वाइफ को और 60 वर्षीय महिला सिटीजन को गिरा गिरा के 10 लोगों ने मारा है। तो देख लीजिए आप दादागिरी, और खंडनी मांगने आए थे लोग कि अगर आप पैसा नहीं देंगे हमको तो हम ऐसे खाली करवा लेंगे। उन्होंने, उनका तो दावा है आप लोगों ने उनके वाइफ, उनकी लड़कियों को मारा, लड़कियों के ऊपर हाथ डाले आप लोगों ने, और उनकी वाइफ को जो है मारे, उनकी वाइफ भर्ती थी। मैं इसमें हूँ क्या? आप देख लीजिए मेरे मौसी को लोग 10 लोग गिरा के मार रहे हैं, इनके पूरे रिलेशन वालों को जमा किया इन्होंने, बाहर से 10 लोगों को लाया और पूरा ये लोग आदि हुए। उस समय मैं कलवा में था, कलवा नाका सर्कल पे, मैं लेबर कॉन्ट्रेक्टर हूँ, लेबर का अभी फॉर्म भरा जा रहा था शाखे पे बर्तन के लिए, आपको पता होगा मैं छोटा लेबर कॉन्ट्रेक्टर हूँ, तो मैं उस समय वहाँ था। मैं, मुझे जैसे कॉल आया ना फिर मैं चला गया। आपको दिखाता हूँ ये जो सीन किया गया ना, ये मेरे साथ 2020 में भी किया गया था, सेम टू सेम। अभी भी मेरे को पुलिस प्रशासन ने और कोर्ट ने मेरे को, जिस वक्त वो मारपीट हो रही थी उस वक्त आप नहीं थे वहाँ पे? नहीं, मैं तब नहीं था, मैं एकदम लास्ट में आया जब मेरी औरत का गला राजू उर्फ शिव कुमार सुंदर पासी ने पकड़ा था, तब मैंने उसको धक्का मार के हटाया है एकदम लास्ट में। लड़कियां तो उनके आरोप लगा रही है, आप लोगों ने लड़कियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया? आप वीडियो में तहकीकात कीजिए ना, उन्होंने मुझे, आपको बताता हूँ, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं तो पुराना वीडियो है ना? अभी का वीडियो, अभी का भी दिखा रहा मैंने आपको, अभी का भी दिखा, पहले वाला था ना जो, अभी का भी दिखा देता हूँ आपको, जो ऊपर से बिल्डिंग से है ना वो। हाँ, देखिए मैं इसमें कहा हूँ, दिखाइए, देखिए आप कहा, 10 लोग मिलकर मेरे एक 60 साल की मौसी को मार रहे हैं, मेरी बहन को मार रहे हैं, मेरी वाइफ को मार रहे हैं, आपको वीडियो सब दिखाता हूँ, इसमें बताइए मैं कहा हूँ। उसके बाद भी देखो, ये देखो मेरी वाइफ को मार रहे हैं, देखिए ये मेरी वाइफ है, हम उनको मार रहे हैं, ये मेरी वाइफ को मार रहे हैं, देखिए
ये उनका 10 लाख लगा के हमको मारे, हम अकेले दुकान में बैठे थे। आपको बताता हूँ भाई, ये लोग मुझे बहुत बार धमकी दे चुके थे। अच्छा मैं गाँव गया था, इन्होंने मेरे उनकी लड़कियां आरोप लगा रही, आप लोगों ने हाथ डाला आप उनके लड़कियों पर। सर अभी कैसा है ना, आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी लगा सकते हैं वो। मैंने पहले भी बहुत बार उन्होंने बहुत बार मेरे को धमकी दिलवाया फोन पे, बहुत लोगों से ये किया, लेकिन मैं डरा नहीं क्योंकि मैं प्रशासन और पुलिस पे बहुत भरोसा करता हूँ, संविधान पे बहुत भरोसा करता हूँ। उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि जो राजू है उनके वाइफ को आप लोगों ने मारा और उनकी साड़ी उड़ी भी खींच ली, ऐसा उन लोगों का कहना है। आपको बताता हूँ कि पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो, कोई झूठ नहीं बोल सकता उसमें, ना मैं बोल सकता हूँ ना वो बोल सकती है। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं क्योंकि गुरुवार के दिन मैं नहीं था, यूपी में था, शादी में गया था, तब भी उन्होंने मेरा नाम यही लगाया था कि ये उसने मेरे को हाथ डाला, ऐसा किया। अरे साड़ी उन्होंने खुद ने निकाला, निकाला तो छोटी पासी और उसकी लड़की राधिका ने, कि उन्होंने हमको नंगा किया इसके लिए, उसने खुद ने निकलवाया। कोर्ट को दिखाया ना मैंने, वो उस चीज़ के मालिक ही नहीं है ना, आपको दिखाया ना मैंने कोर्ट पर। यानी आप अगर डेवलप करने के लिए तो आप मालिक हो गए। मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ ना, तो मुझे कुछ एग्रीमेंट वगैरह कुछ ऐसा बना नहीं। उनका कहना है कि भाड़े पे, उनका कहना है कि वो आपको भाड़े पे दिया गया था, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया था, आपसे जान पहचान थी तो इस वजह से एग्रीमेंट नहीं बनाया। इस्लामुद्दीन भाई मुमरा में आप भी रहते हो और आप लोग को भी मालूम है 12 साल कोई भाड़े पे फ्री में नहीं देता बिना पेपर का। आप भी अच्छी तरह पता है कि झूठ झूठ ही रहेगा और सच कभी भी सच रहेगा। सच को तकलीफ है लेकिन मुझे इंसाफ मिलेगा, जैसा 2020 मुझे 20 में मिला था इस बार भी मुझे मिलेगा, चाहे पूरी ताकत लगा ले अपनी, क्योंकि मैं प्रशासन पुलिस और संविधान पर भरोसा करने वाला आदमी, क्योंकि मैं कोर्ट से चल रहा था। आपने ये जो उस दिन मारपीट हुई दुकान पर, मीटर लगाने जो टोरेंट वाले आए थे उसी दौरान ये मारपीट, आपको बता दो तो इस पूरे मामले को लेकर आपने भी पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायत वगैरह की? मेरे को 24 घंटा मेरे FIR नहीं लिया गया, वहाँ पॉलिटिकल लोगों को फोन गया उनका। अच्छा आपको एक बात और बता देता हूँ मैं जानकारी के लिए, उसमें जो शीला देवी है ना, उन्होंने ऊपर का रूम मेरा कब्जा किया है 2-3 लाख रुपए में। ऊपर का जो रूम उसके ऊपर बना हुआ है, उनके पास आप पता करिए, उनको पूछिए आपके पास पेपर है क्या। इन्होंने तभी भी वैसे ही किया था, लोगों को पैसा खिला के बनवा के और कब्जा कर लिया। आप उनको देख सकते, खाली टैक्स पावती से, आजकल आपको भी अच्छी तरह पता है टैक्स पावती कैसे लगती है, कैसे होती है। ये देखो टोरंटो को मैंने लेटर सब किया था, लेटर देने के बाद भी टोरंटो ने पैसा कि भाई जब तक मेरा विवाद चल रहा तब तक मत लगाइए, ये देख लीजिए। मैंने देने के बाद भी वहाँ फुल दादागिरी की गई। मुझे आपको बताना चाहता हूँ मैं, मुझे बहुत 4 साल से मुझे कॉल आ रहा है कि आप 2 लाख ले लीजिए, 4 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, कोई इनसे फ़ोन करवा रहा है, कोई उनसे फ़ोन करवा लीजिए, ऐसा बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैंने मेरा एक ही महीना है बोलना है, मेरा जो पैसा लगा है वो मुझे पैसा दे दीजिए, या तो आपका जो पैसा लगा है आप का कोर्ट ने क्लियर कर दिया, आप उस चीज़ के मालिक नहीं हो। मेरे पास कोर्ट की ऑर्डर है, आपको कॉपी दे दूंगा मैं। अगर वो सही थे तो वो लोग कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि वो झूठे हैं, अनलीगल डॉक्यूमेंट बनाए गए। जो विवाद हुआ उस पे कुछ FIR दर्ज हुआ? FIR 24 घंटे के बाद दर्ज हुआ। FIR क्या लिया पुलिस? हमको बहुत प्रशासन ने तकलीफ भी दिया, रात भर बैठा करके हमारी महिलाओं को पुलिस स्टेशन में बैठा। धारा क्या लगाया पुलिस ने देख लीजिए, धारा देखो उन्होंने लगाया मेरे ऊपर 323, 141, 143, 147, 149, 427, 504, 506, ये मेरे तरफ से लगा हुआ है। और उनके तरफ का आपको दिखाता हूँ मैं, उन नोटिस लो जो कि दो दिन पहले जो कि मैं गांव में था तभी मैंने मेरी बहन के सपने लोग हाथापाई करने एक बार और आए थे गुरुवार के दिन, तभी भी उन्होंने जाके उन्होंने NC किया था जिसपे शीला देवी और उसकी लड़की दोनों पे नाम पे देखो है। अच्छा मुझे बताइए आप भी, आपको पता है कि जब नीचे की जगह संपत कन्हैयालाल पासी के नाम पे है तो ऊपर शिव कुमार पासी के नाम पे कैसे रहेगी, और नीचे का फिर शीला देवी का डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, ऐसा कैसा रहेगा? अब जरा देखिए, रूम का एग्रीमेंट तो उनके पास भी है ना, वो कह रहे कि नीचे हमारा है उसके ऊपर भी हमारा है, कैसे कहना है? नीचे शिव मतलब आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नीचे शीला देवी का नाम आ रहा है कोर्ट में, ऊपर शिव कुमार पासी का नाम आ रहा है, जिसका नीचे रहेगा उसका ऊपर भी रहेगा ना, आप ये भी तो सोचिए। तो ये सिर्फ खाली क्या है कि मुझे पैसा ना देना पड़े, इसलिए 2020 में भी किया गया और 2024 में भी किया गया, मुझे डरा के धमका के सब कुछ देख लिए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं छोटा सा बोलना चाहता आप लोगों को, अभी जिस जहाँ दुकान है मेरी वो रास्ता आप लोगों को पता है, मेरा घर आना जाने का है, सब लोग आते जाते हैं, उनकी लड़कियाँ वीडियो बना रही है। दूसरी बात, हमको मारने की अभी भी धमकियाँ दी जा रही है। अच्छा आपको एक और वीडियो बताता हूँ, आप लोगों का मैं सुना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद ना वो लोग रात को 3:30 बजे मेरा लॉक ताला काट रहे थे, ये देखिए जब वो सही है तो ताला क्यों कटवा रहे हैं, देख लीजिए
मेरे दुकान में कब्जा करने की कोशिश की गई है। रॉबरी करने का पूरा तक हो चुका है। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे कॉल किया, मैंने ये वीडियो सीने सब पे भेज दिया। मैं बोला मैं नीचे नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मारने की धमकी दे रहे लोग कि तू नीचे आएगा तो तेरे को मार देंगे। इसमें दो लोग जिसको हम लोग जानते हैं, एक है रोहित पासी, दूसरा उसका लड़का साहिल पासी और तीसरा है जिसको हम लोग नहीं जानते, कोई टोपी वाला भी इसमें दिख रहा है, जिसको हम लोग नहीं पहचान पाते। मैं चाहता हूँ प्रशासन से इनको ढूंढा जाए और इन पर रॉबरी का केस बनाया जाए। अच्छा इस्लामुद्दीन भाई, मैं बोलना चाहता हूँ हमारी फैमिली को या मुझको किसी को भी अगर जान का खतरा हुआ, कोई हानि हुई, तो उसका जिम्मेदार ये लोग पूरा होंगे। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए। हमारी दुकान है, मेरा घर चलता है उससे। आज मेरा 3 बजे दुकान बंद है, मेरी बच्ची 4-5 साल की है। तो मैं मेहरबानी कर रहा हूँ प्रशासन से कि मेरे को मेरा दुकान दिलाया जाए, मुझे धंधा करने दिया जाए, नहीं तो मुझे आत्महत्या करने के सिवा मेरी फैमिली को लेकर और कोई चारा नहीं है।